गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ ज़ारा और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि ओलिविया पैनकेक को और ओलिविया पैन स्टिक को कैसे आप हाई कवरेज बना सकते हो। लाइक क्या होता है ना गाइस कि जब भी हम इसे अप्लाई करते हैं तो ये इंस्टेंट तो बहुत अच्छा ग्लो दे देता है और ये भी बहुत अच्छा मतलब काम करता है ये, लेकिन क्या होता है कि एक दो घंटे बाद ये निकलना शुरू हो जाता है। लाइक एक घंटे बाद ही निकलना शुरू होता है, ज़्यादातर गर्मी में तो निकलना ही शुरू हो जाता है। लाइक यहाँ से छूट जाएगा, यहाँ से छूट जाएगा, क्रीज लाइन बन जाएगी, बस यहाँ बचता है। तो जब पूरे मुंह का छूट जाएगा तो फिर यहाँ बचने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने सोचा चलो इसे हाई कवरेज बना दे, तो मैंने इसको हाई कवरेज बनाया और बना के मैंने अप्लाई भी किया। अप्लाई करने के बाद मैं बाहर भी गई और मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला गाइस, इसका इतना अच्छा रिजल्ट मिला। लाइक मुझे ये 7 से 8 मरीज ने मुझे दिया, मतलब कि अच्छे से फेस पे टिका रहा। और सबसे अच्छी बात ये है कि इतना हाई कवरेज बना और मतलब ऐसा लग रहा था कि मैंने कोई जो है ब्रांडेड फाउंडेशन अप्लाई किया है। तो ये बहुत ही अच्छा बना गाइस। और अगर आप मतलब आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं और आप इसे यूज़ नहीं करते तो आप डेफिनेटली यूज़ करने लगोगे इसे। मेरी स्ट्रिक से अगर आपकी होने वाली शादी है और आप कुछ अफोर्डेबल में हाई कवरेज, तो आप ये ट्रिक जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है। या फिर आप लंबे टाइम के लिए कुछ अच्छा फाउंडेशन चाहते हो, लाइक हाई कवरेज फाउंडेशन तो बहुत ही महंगे महंगे से आते हैं बट आप नहीं अफोर्ड कर सकते, तो आप ये ट्रिक जरूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अमेजिंग ट्रिक है गाइस ये। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो कि इन दोनों को मिला के हाई कवरेज कैसे बनाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, मैं इस तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग के लिए लेके आती रहूंगी। और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगे तो, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पैन स्टिक चाहिए और ओलिविया पैन केक चाहिए और एक नरिशिंग क्रीम लाइक मॉइस्चराइजर भी आप यहाँ ले सकते हो। मैंने नाइट क्रीम लिया है जो मैंने डे क्रीम लिया जो मैं डेली यूज करती हूँ। और ये पैन स्टिक का मेरा शेड था और ये पैनकेक का है। तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा बनाई थी बट आप इस यहाँ पर थोड़ी कम भी बना सकते हो, लाइक आपको आपके ऊपर है कि आपको कितना यूज़ करना है। तो एक प्लेट में इस तरीके से थोड़ा सा निकाल लें या फिर कटोरी भी ले सकते हैं आप यहाँ पे, वो आपकी चॉइस है। तो इस तरीके से इसे निकाल लें, क्वांटिटी का ध्यान दीजिएगा कि कितना आपको बनाना है। और जितना आप पैन स्टिक लोगे उससे थोड़ा सा पैन केक लोगे। तो इस तरीके से मैंने इसको निकाल लिया है और अब इसके ऊपर मैं डालूंगी ओलिविया पैन केक, क्योंकि वो ड्राई फॉर्म पे होता है तो इसलिए ड्राई स्किन वालों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। और ऑयली स्किन वालों के लिए ड्राई फॉर्म पे होता है तो ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप नरिशिंग क्रीम या मॉइस्चराइजर थोड़ा ज़्यादा मिला लीजिएगा इसमें। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे मैंने निकाल लिया है इसी के ऊपर और अब इसमें डालेंगे कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या फिर आपकी जो भी डेली क्रीम है वो से आप यूज़ कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं गुड वाइब की यूज़ कर रही हूँ डे क्रीम और ये नरिशिंग डे क्रीम है क्योंकि मेरी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है इस वजह से। और इन तीनों को अच्छे से करना है मिक्स और इतना मिक्स करना है गाइस कि आपस में मिल जाए, तो जो ये पैन केक का हल्का हल्का सा फुदकी टाइप का इसमें पड़ जाता है तो उससे आपको अच्छे से मिक्स करना है, एकदम फाउंडेशन फॉर्म पे लाना है आपको। तो इतना ब्लेंड करना है आपको, ट्रस्ट मी गाइस, जब आप इसे अप्लाई करोगे या फिर आपका जो फाउंडेशन बनेगा ना वो इतना हाई कवरेज फाउंडेशन बनेगा कि जो मार्केट वाले फाउंडेशन होते हैं वो फेल है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा, ट्राई करके देखिएगा कि कितना ज़्यादा हाई कवरेज आपके जितने भी स्पॉट्स वगैरह हैं सब कुछ कवर कर देगा, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार ज़रूर आप इसे ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से आप इसे दबा दबा के ब्लेंड कर लें और एक स्मूथ सा फाउंडेशन बनना चाहिए आपका। तो यहाँ अब मुझे यहाँ पे अप्लाई करना है तो उसके लिए मॉइस्चराइजिंग ज़रूरी है, तो फेस को पहले मॉइस्चराइज कर लें अच्छे से। मैंने वही क्रीम यूज़ किया है जो मैं डे क्रीम में लेती हूँ, गुड वाइब की नरिशिंग क्रीम। उसके बाद ये फाउंडेशन जो मैंने अभी बनाया है ये फाउंडेशन ले लें और अपने पूरे फेस लाइक नेक और जो है चेहरे पर अच्छे से फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लें। क्वांटिटी का ध्यान दें, मैं यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा लगा ली थी
उसके बाद इसे ब्यूटी ब्लेंडर से कर लें, या फिर ब्यूटी ब्लेंडर के यूज़ नहीं करना चाहते तो आप हैंड का, अगर आप ऐसे फाउंडेशन कोई अप्लाई कर रहे डीआईवाई वाला, तो उसे हैंड से ज़रूर लगाया करिए। वो अच्छा रिजल्ट तभी देता है जब आप हैंड से लगाओगे। तो आप देखिए गाइस कि मैंने क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा लगाई थी, वो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद देखिए कितना हाई कवरेज बन चुका है। ये अमेजिंग फाउंडेशन बना है गाइज, मतलब आपको ज़रूरत ही नहीं हाई कवरेज फाउंडेशन खरीदने की जब आप ऐसे ही बना सकते हो। तो ये देखिए कितने अच्छे से इसने सब कुछ कवर कर लिया है, और थोड़ा सा ज़्यादा है वो अभी बाद में मैं ठीक कर लूँगी। तो इस तरीके से अच्छे से अप्लाई कर लें अपने पूरे फेस पे, नेक पे, ईयर, हैंड से पूरा अच्छे से अप्लाई कर लें। उसके बाद आप स्पॉन्ज की ही हेल्प से इसे डैब डैब, मतलब थोड़ा सा फेस पे डैब डैब ज़्यादा तेज़ करें, मतलब फोर्स के साथ, इतना भी फोर्स नहीं, थोड़ा बहुत फोर्स लगना चाहिए आपका, ताकि आपका मेकअप अच्छे से स्किन पे सेट हो जाए। तो आप देखिए पहले कैसा था, मतलब ज़्यादा लगा था, और अब जो मैंने लगाया वो कितनी फिनिशिंग और कितने फ्लॉलेस लुक आया गाइज। तो ओवरऑल मुझे ये फाउंडेशन बहुत अमेजिंग लगा गाइज, बहुत अमेजिंग। तो अगर आप चाहते हो कोई अच्छा कवरेज का फाउंडेशन तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरीके से अप्लाई कर लें और देखिए क्या फ्लॉलेस लुक दिया है इसने। तो मुझे बहुत अच्छा लगा गाइज, ये बहुत ही अमेजिंग लगा। उसके बाद इसको सेट करने के लिए ओलिविया पैनकेक लेकर अपने उस एरिया पे, मतलब अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप पूरे फेस पे अप्लाई कर लीजिए, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप उस एरिया पे ही करिए, कॉम्पैक्ट लगाइए जिस एरिया पे आपको क्रीज लाइन वगैरह पड़ने का डर है। वैसे ये क्रीज लाइन नहीं देता है गाइस, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बन के तैयार होता है, तो नो केकीनेस, नो। सो गाइज यहाँ पे मैंने देखिए पूरा मेकअप कर लिया है अपना उसी के ऊपर, और आप देख सकते हो कितना फ्लॉलेस मेकअप हुआ है, बहुत ही अमेजिंग बेस बना है गाइज ये। आप सोचिए कि जब आप इसे एज अ ब्राइडल के लिए बेस यूज करेंगे तो कितना गजब का ये बेस लगेगा, और अगर आप हाई कवरेज फाउंडेशन चाहते हो तो एक बार ये ट्रिक जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो हाई कवरेज फाउंडेशन वगैरह तो आप एक बार ये ट्रिक जरूर अप्लाई करिएगा। कैसा लगा ये वीडियो कॉमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, लव यू ऑल।